Good morning, students. Come to the page number 88. See this question. Write the correct number. It means you have to write the correct numbers, means on the correct place value. आपको digits given है, place value के according आपको number में उन digits को put करना है. Like 3 tens है, तो 3 को हम tens की place पर लिखेंगे. 100s 5 है, तो 5 को 100 की place पर लिखेंगे. And वंस की प्लेस पर 7 है, तो 7 वंस की प्लेस पे आ जाएगा. आपको ये जो प्लेस वैल्यू बताई है डिजिट्स में, ये सीरियल नंबर वाइज नहीं बताई है, ऊपर नीचे गिवन है. किसी में टेंस पहले है, किसी में 100 पहले है, बट आपको ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू कहाँ पर किसकी कैसे आती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर को बनाना है. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. 8 tens, 6 hundreds and 7 ones. सबसे पहले हम 100 की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे. क्या है? 6. देन टेंस की प्लेस वैल्यू आती है 8 एंड वंस की प्लेस वैल्यू 7. जब हम नंबर को लिखते हैं तो हम 100 से स्टार्टिंग करके लिखते हैं, और जब हम नंबर को डिजिट्स को देखते हैं कि क्या प्लेस वैल्यू है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. सो अभी हम 100 से अपने नंबर को स्टार्ट करेंगे. मीन्स जो पहले 100 की प्लेस पर है उसको लिखेंगे, फिर टेंस को, फिर वंस को. ऐसे कंटिन्यू करना है. थर्ड क्वेश्चन. 9 hundreds, 4 tens and 6 ones. 9 hundreds, 4 tens and 6 ones. ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में करना है हमको. सी द फोर्थ वन. 5 ones, 4 tens and 6 hundreds. 100 की प्लेस पर देखेंगे पहले क्या है, 6. 6 डिजिट लिख देंगे हम यहाँ पर. देन टेंस 4 एंड वंस की प्लेस पर 5. तो ये क्या हो गया, 645. फिफ्थ देखेंगे, 100 की प्लेस पर पहले क्या है, 2. 200 की प्लेस पर आ गया. टेंस की प्लेस पर क्या है, 7. 7 tens and 5 ones. यहाँ पर 100 की प्लेस पर क्या है, 8. तो आ जाएगा 8. फिर टेंस की प्लेस पर 4 एंड वंस की प्लेस पर 7. 847. 100 tens and 1s. 847. 275. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, उनको फिल करना है करेक्ट नंबर के साथ. प्लेस वैल्यू बतानी है आपको. 7 in 167 is 7. क्या है इस नंबर में, ये नंबर क्या है सबसे पहले तो देखेंगे. 167 इसमें 7 क्या है, 7 क्या है, वंस है. आप सबको पता है, देखो वंस की प्लेस पर है 7. ऐसे देखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड. वंस टेंस हंड्रेड. 7 in 106 is 7. 7 को तो हम सिंगल लिखेंगे क्योंकि वो वंस है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. 5 in 354 is. 354 में 5 क्या था, टेंस की प्लेस पर है, वंस टेंस. तो टेंस में हम क्या लिखते हैं, 50 आ जाता है. प्रोनाउंस करो उसको, रीड करो. 354. 5 को हमने क्या बोला, 54. तो अभी हमको सिंगल 5 का वैल्यू बताना है. तो 5 तो हमारा 50 है. 5 is 50. थर्ड क्वेश्चन में देखो. 2 in 253 is. 2 क्या है इस नंबर में, ये नंबर क्या है, 253. से इट अगेन. 253. हम क्या बोल रहे हैं 2 को, 253. तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, 100 की प्लेस पे है तो 200. फोर्थ क्वेश्चन. 8 in 587 is. 8 क्या है इस नंबर में, टेंस है. क्या बोल रहे हैं हम, 587. 8 को हमने क्या बोला यहाँ पर, 80, देन 7.
टेंस के प्लेस पर जो है वो क्या हो जाएगा, 80, 87, 8 इज 80. फिफ्थ क्वेश्चन, 1 in 217 इज, 1 क्या है, 1 क्या है आप बताओ, टेंस की प्लेस पर है, वंस टेंस हंड्रेड, तो 1 क्या हो गया हमारा टेंस, तो कैसे लिखते हैं 1 को टेंस में, 1 0 10. सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 in 736 इज, 3 क्या है 736 में, क्या बोल रहे हैं हम देखो, 736, 36, 3 की प्लेस पे हमने क्या बोला 30, टेंस की प्लेस पर है 30. 400, 4 in 400 इज, 4 क्या है 400 में, 400, क्योंकि 100 की प्लेस पर है, सिंपल 400 आ जाएगा इसमें भी. 6 in 654 इज, 6 क्या है 100 की प्लेस पर है, हम क्या बोल रहे हैं 654, तो 6 हमारा 100 हो गया, 100 की प्लेस पर है 600. लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन वंस अगेन, 1 in 217, 1 क्या है 217 में, कौन सी प्लेस पर है सबसे पहले तो देखो, वंस टेंस हंड्रेड, तो टेंस की प्लेस पे क्या है 1 tens, तो 1 tens को हम कैसे लिखते थे, 1 0 10, 1 tens. अगर 2 tens होता तो यहाँ पर 20 आता, 3 tens होता तो 30 आता, है ना, अभी 1 है तो 1 0 1 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 9 in 459 इज, 9 क्या है 459 में, 459, 9 तो वंस की प्लेस पर है तो सिंगल 9 आ जाएगा, ओनली 9, हम 9 ही तो बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल के देखो 459. टेंथ क्वेश्चन, 4 in 346 इज, 4 क्या है 346 में, 346, 40. 11th question, 5 in 500 is, 5 कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो 500, नंबर भी हमारा 500 है. 12th question, 8 in 680 is, 8 क्या है 680 में, क्या बोल रहे हैं हम 680, वंस की प्लेस पर 0 है तो कुछ भी नहीं है तो उसको 80 बोलेंगे, टेंस की प्लेस पर क्या है 80. एक बार फिर से देखो, क्या बोल रहे हैं हम 680, सिंपल है, आपको सबको नंबर को पहले रीड करना है, उसको 3 times बोलना है, जब आप उसको स्पीक आउट करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आप डिजिट पर क्या प्लेस वैल्यू को प्रोनाउंस कर रहे हो, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा प्लेस वैल्यू देखना. एक बार फिर से ट्राई करो, 8 in 680 इज, 8 क्या है टेंस की प्लेस पर है, अब इस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं 680, तो 8 की प्लेस पर हम 80 बोल रहे हैं, तो हमने 8 की प्लेस वैल्यू बता दी 80. चिल्ड्रन नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक.